अस्सलाम वालेकुम भाइयों, कचहरी रोड के ऊपर सरगोधा में आपको जमजम वाले दिखाई देंगे। ये अपनी वाइट हांडी की वजह से बहुत मशहूर है। तो चलिए देखते हैं कि इनके वाइट हांडी में क्या खासियत है और ये किस तरह बनाते हैं। तो ये भाई कढ़ाई तैयार कर रहे हैं। भाई ये भाई कढ़ाई किस चीज़ की है? ये चिकन कढ़ाई है और देखिए कढ़ाई कार में लगी हुई है और ये इन्होंने कढ़ाइयाँ भी उठाई है यहाँ से। ये सारी कढ़ाइयाँ यहाँ लगी हुई हैं। और ये कौन कढ़ाई ले आए हैं भाई? ये कौन सी कढ़ाई है? वाइट हांडी। अच्छा वाइट हांडी है ये, ठीक है। अच्छा वाइट हांडी चिकन कढ़ाई में कोई फर्क है? जी फर्क है, ये करीम में फर्क है। दो कढ़ाइयां, तीन हांडी, फुल हांडी, दो फुल हांडियां। क्या मार गया भैया? इसमें क्रीम डालती है, उसमें क्रीम नहीं डालते। अच्छा, इसमें आप क्रीम डालते हैं और इस ये क्रीम के बगैर होती है? ये क्रीम के बगैर। और आपकी नज़र में टेस्टी सबसे ज़्यादा कौन सी होती है? टेस्टी हांडी होती है कढ़ाई भी। अच्छा। हमारी इसमें टमाटर प्याज डालते हैं, उसमें टमाटर बगैर टमाटर कोई प्याज कोई कोई चीज़ नहीं, सिर्फ क्रीम और हांडी होती है, ठीक है। और ये क्रीम ऐड कर रहे हैं अभी? क्रीम कितने पैकेट आप क्रीम के डालेंगे इसके अंदर? तकरीबन डाल जाएंगे 17-18 काटा। अरे 17 डब्बे छोटे जो। अच्छा 17-18 डब्बे क्रीम के डाल जाएंगे इसके छोटे जो। और ये कढ़ाई कितने किलो गोश्त है इसमें? इसमें तकरीबन है 10-11 किलो। 10-11 किलो गोश्त है इसके अंदर। और सारा बोनलेस है? सारा बोनलेस है। सारा बोनलेस है। तो इस आपने ये क्रीम डालने से पहले इसको क्या किया गोश्त को? पहले हमने उबाला है जी, फिर इसको फ्राई किया, ठीक है। तो फिर इसमें हमने क्रीम डाल दी है। अच्छा पहले आपने इसको उबाला है? पानी में उबाला, नमक और मिर्च डाला, ठीक है। तो उसके बाद हमने घी में फ्राई किया, ठीक है। तो उसके बाद हम क्रीम डाले, ठीक है। अच्छा भाई ने क्रीम डाल ली है, तो अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? बस अभी क्रीमें और डालनी है। अच्छा क्रीम अभी और ऐड करनी है। ये क्रीम आप कौन सी यूज़ करते हैं? हलीब करते हैं। अच्छा हलीब, हलीब और मिल्क। अच्छा जमजम वाले सरगोधा में सबसे ज़्यादा मशहूर है, क्या बात है? ये है वाइट हांडी की वजह से। अच्छा सर, ये सारा किस्सा वाइट हांडी का है? वाइट हांडी का हमारा ज़्यादा वाइट हांडी लोग खाते हैं। ज़्यादा वाइट हांडी लोग यहाँ पे खाते हैं, इसलिए जमजम जो है सरगोधा में मशहूर है। अच्छा कहते हैं कि जो मेहमान सराय वाले हैं और आपका आपस में मुकाबला है? नहीं, मुकाबला नहीं है। ये जमजम को बनने भी बहुत अर्सा हो गया, इसके मुकाबले में कोई भी नहीं रेस्टोरेंट है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब जमजम अभी मात्रा इसके ऊपर ही है? नहीं, जमजम ऊपर है। जमजम ऊपर है। और ये क्या ऐड कर रहे हैं आप? ये क्या है? ये नमक है, पहले जीरा डाला है। अच्छा ये नमक और जीरा और ये धनिया, ये धनिया है। आप इसको हमने मिक्स कर दिया, ठीक है। अच्छा दूसरी कढ़ाई भी है कि अच्छा ये और ये वाली कढ़ाई सेम है और ये अपने क्रीम हांडी है, ये क्रीम बोला था, वो कढ़ाई है, वो चिकन कढ़ाई है। और ये आप उसके ऊपर क्या लगा रहे हैं? तरी है? ये तरी है, शाइनिंग के लिए होती है। अच्छा इस तरह शाइनिंग के लिए ये तरी किस चीज़ की है? अच्छा मतलब ये आप पहले कढ़ाई बनाते हैं? हाँ जी, उसमें सब होता ना घी जो सब वो निकाल लेते हैं। अच्छा बस घी निकाल लेते हैं। हाँ जी, ये देखें कैसे इसके रेसिपी में क्या क्या होता है? इसमें पहले प्याज डालते हैं, ठीक है। प्याज के बाद जो सा मुर्गा होता है वो ऐड करते हैं, उसके बाद टमाटर वगैरह ऐड करते हैं, फिर उसको हाफ डन करते हैं। हाफ डन करने के बाद ना फिर वो पीछे लाग रही है, इससे सेम ही लाग रही है। तो उसके बाद फिर घी वगैरह डालते हैं, घी में इसको बनाई करते हैं, बनाई कर गए फिर उसके बाद हम दही वगैरह डालते हैं। ये अब तैयार है हमारी कढ़ाई, ये अब तैयार हो गई, ये बन तैयार है। तो ये भाई ने अब जीरा ऐड किया है। बस ये भाई सारे लगे हैं ये अब ये मट्टी के जो हांडी है उसमें डालने लगे, तो सर्विस भी करते हैं आप? अच्छा तो जमजम होटल में आपको चाइनीज भी बड़े अच्छे मिलने वाले हैं, तो ये भाई अब चाइनीज तैयार करने लगे हैं। ये बॉयल चावल पड़े हुए हैं, फिर आयल डाल दिए। चाइनीज तैयार हो रहे हैं।
अच्छा पहले अंडा फ्राई करेंगे। गाजर ये गाजरें हैं, ये गाजर अच्छा क्रश की हुई गाजरें हैं, डाल दी हैं शिमला मिर्च, शिमला मिर्च ऐड हो गई है। ये चिकन है, बॉयल चिकन, बॉयल चिकन है उन्होंने, और चिकन भी क्रश किया हुआ है। चावल ऐड कर दिए, भाई कितनी देर में तैयार हो जाता है ये? 3 मिनट में। अच्छा 3 मिनट में चावल तैयार हो जाता है, बड़ी इंस्टेंट रेसिपी है। अच्छा मसाले डाल लगे, नमक, चाइना साल्ट, चाइना साल्ट, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, चिली सॉस, ये क्या चिली सॉस? ये सॉस था जी, ये सॉस। भाई ने इसमें मसाले मिक्स किए और फिर इसको पकाने लगे। ये पूरा सेफ स्टाइल है। अच्छा जमजम होटल की सबसे मशहूर रेसिपी क्या है? यहाँ पे वाइट हांडी सबसे ज्यादा चलती है। यहाँ पे वाइट हांडी, अच्छा वाइट हांडी सबसे ज्यादा चलती है, उसके बाद ये है। अच्छा ये रेडी हो चुकी है, ठीक है, और ये चाइनीज अब रेडी हो चुके हैं और ये सर्व करने के लिए तैयार है। भाई कितने अर्से से काम कर रहे हैं यहाँ पे आप? मुझे 12 साल हो। अच्छा 12 साल हो गए हैं और आप ये चाइनीज तैयार कर रहे हैं? जी मैं चाइनीज। आपकी जो मेन रेसिपी है चाइनीज? चाइनीज में सूप, राइस, मंचूरियन, बिरयानी, चरगा, ढाका चिकन, अदाबो चिकन पकौड़ा, ये सारी रेसिपी मेरी है। और आप यहीं सरगोधा के हैं? जी मैं सरगोधा। चाइनीज ट्राई करते हैं कि इनका जायका किस तरह है। चाइनीज जो है मैंने इस तरह के पहले कभी नहीं खाए, इनमें वाकई बहुत टेस्ट है और इनमें वाकई स्पेशलिटी है और वाकई जो दमदम होटल है इसकी वजह से मशहूर है सरगोधा में। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच।